नमस्कार दोस्तों, जय माता दी। स्वागत है आपका हमारे चैनल में। दोस्तों, भगवान भोलेनाथ के आशीर्वाद से कल सुबह 9:30 बजे से अचानक चमक उठेगा इस राशि वालों का भाग्य। और अब इन राशि वालों को मिलेगी अनेकों प्रकार की बड़ी बड़ी खुशखबरी। जी हाँ दोस्तों, बताना चाहेंगे कि भगवान भोलेनाथ अब 12 राशियों में से कुछ खास राशि वालों पर बहुत अधिक प्रसन्न हो गए हैं, जिससे कि अब इन राशि वालों के जीवन में आने वाली है भगवान भोलेनाथ के आशीर्वाद से अपार खुशियां ही खुशियां। जी हाँ दोस्तों, भगवान भोलेनाथ के आशीर्वाद से अब इन राशि वालों के जीवन में कोई भी दुख और कोई भी संकट नहीं रहने वाला, जिससे कि अब इन राशि वालों का जीवन पूरी तरह से बदल जाएगा। दोस्तों, आखिर यह भाग्यशाली राशियां कौन कौन सी हैं जिनका भाग्य भगवान भोलेनाथ के आशीर्वाद से कल सुबह होते ही चमकने वाला है और इन राशि वालों को मिलने वाली है बहुत बड़ी खुशखबरी। आज इस वीडियो में हम आपको उन्हीं कुछ खुशनसीब और भाग्यशाली राशियों के बारे में बताने वाले हैं, इसीलिए आप लोग इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक पूरा अवश्य देखें और बिल्कुल भी इस वीडियो को आप मिस ना करें, क्योंकि दोस्तों यह वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी रहने वाली है। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले भगवान भोलेनाथ के सच्चे भक्त इस वीडियो को अभी अभी लाइक कर दें और कमेंट बॉक्स में सच्चे मन से जय भोलेनाथ अवश्य लिखें। इससे भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद आपको प्रत्यक्ष रूप से प्राप्त होगा। और साथ ही साथ अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब अवश्य कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे कि हमारे आने वाले महत्वपूर्ण ज्ञानवर्धक वीडियो आप लोगों तक पहुंच सके। तो अब चलिए दोस्तों, बात करते हैं उन भाग्यशाली राशियों के बारे में। दोस्तों, आपको हम बता दें कि इसमें कोई भी शक नहीं है कि व्यक्ति के जीवन में ग्रहों का काफी महत्व होता है। जी हाँ, जब व्यक्ति के जीवन में कुछ भी अच्छा या बुरा होता है तो उसमें ग्रहों का बहुत बड़ा हाथ होता है। गौरतलब है कि अगर किसी व्यक्ति के जीवन में ग्रहों की स्थिति अनुकूल हो तो उसके जीवन में सब कुछ अच्छा ही होता है, वहीं अगर ग्रहों की स्थिति अच्छी ना हो तो व्यक्ति के जीवन में दुखों का पहाड़ भी टूट सकता है। वहीं शास्त्रों के अनुसार भगवान शिव को इस पूरी सृष्टि का निर्माता कहा जाता है। केवल इतना ही नहीं, इसके अलावा भगवान शिव को देवों के देव महादेव भी कहा जाता है, यानी धार्मिक शास्त्रों के अनुसार भगवान शिव का स्थान बेहद ऊंचा है। हालांकि भगवान शिव स्वभाव से जितने भोले माने जाते हैं उतना ही ज्यादा उन्हें क्रोध भी आता है, मगर इसमें कोई शक नहीं है कि भगवान भोलेनाथ को खुश करना बेहद आसान है। जी हाँ दोस्तों, जिस व्यक्ति पर एक बार भगवान शिव की कृपा हो जाए, यकीनन उसका अच्छा समय आने से कोई भी नहीं रोक सकता। बहरहाल, आज हम आपको ऐसी 7 राशियों के बारे में बताने वाले हैं जिन पर भगवान शिव की असीम कृपा होने वाली है। यानी अगर हम साफ शब्दों में कहें तो भगवान शिव की कृपा से इन 7 राशि वालों के जीवन में अब खुशियां ही खुशियां आने वाली हैं। तो दोस्तों, चलिए अब बात करते हैं इन 7 खुशनसीब और भाग्यशाली राशियों के बारे में। दोस्तों, बता दें कि जो पहली राशि आती है वो राशि है मेष राशि। जी हाँ दोस्तों, मेष राशि वाले लोगों को हम बता दें कि अब भगवान शिव की कृपा आप पर बहुत अधिक बनी हुई है। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें, मेष राशि वालों, आपको न केवल धन लाभ होगा बल्कि आपको व्यापार में खूब वृद्धि अब देखने को मिलेगी। आपके व्यापार में आपको अधिक धन लाभ होगा,
इसके अलावा जो लोग नौकरी करते हैं उन्हें तरक्की मिलने के पूरे पूरे योग हैं। वहीं जो लोग विदेश में नौकरी करने का सपना देख रहे हैं उनका ये सपना पूरा होने के भी योग अब बन रहे हैं। गौरतलब है कि आपके अब सभी कार्य भगवान महादेव के आशीर्वाद से सफलतापूर्वक पूर्ण हो जाएंगे और साथ ही साथ मेष राशि वाले लोगों आपकी आर्थिक स्थिति अब बहुत अच्छी होगी, जिससे कि घर परिवार में आपके खुशनुमा वातावरण रहेगा। दोस्तों, इस लिस्ट में जो दूसरी राशि आती है वह राशि है तुला राशि। जी हाँ दोस्तों, आपको हम बता दें कि भगवान भोलेनाथ की कृपा तुला राशि वाले लोगों पर अब बहुत अधिक बन रही है। बहरहाल महादेव की कृपा से इस राशि वाले लोगों के लिए आने वाला समय काफी ज्यादा बेहतरीन समय होगा। ये जो समय आपके लिए रहेगा वह काफी ज्यादा शुभ और फलदायी रहने वाला है। आपकी राशि वालों के लिए बताना चाहेंगे कि आपको ना केवल मान सम्मान मिलेगा बल्कि समाज द्वारा आपकी काफी तारीफ भी अब की जाएगी। इसके अलावा आपको ऐसे कई सारे नए अवसर भी मिलने वाले हैं जिससे कि आपके जीवन में अच्छा बदलाव होगा। इसके साथ ही आपको काफी धन लाभ भी होगा। जहां एक तरफ परिवार में खुशियों का माहौल आपके लिए बन रहा है, वहीं दूसरी तरफ आपको व्यापार में वृद्धि देखने को मिलेगी। इसके साथ ही जो लोग नौकरी करते हैं उन्हें नौकरी में अब तरक्की, प्रमोशन और वेतन वृद्धि के भी योग रहेंगे, जिससे आपकी आर्थिक स्थिति काफी मजबूत बनेगी। दोस्तों, बताना चाहेंगे कि तुला राशि वाले जो छात्र हैं, आप अपना जीवन बहुत ही आनंद पूर्वक व्यतीत करेंगे और आप लोगों को परीक्षा में सफलता मिलने के भी योग बन रहे हैं। बस आप लोग मन लगाकर मेहनत अवश्य करें। दोस्तों, इस लिस्ट में जो अगली राशि आती है वह है कुंभ राशि। जी हाँ दोस्तों, कुंभ राशि वाले लोगों को हम बता दें कि भगवान भोलेनाथ की कृपा अब आपकी राशि वाले लोगों को बहुत ही ज्यादा लाभ पहुंचाने वाली है। जी हाँ, जिससे कि आप लोगों के लिए आने वाला समय बहुत ही अनुकूल रहने वाला है। बता दें कि आने वाले समय में भगवान भोलेनाथ के आशीर्वाद से अनेक प्रकार के बड़े बड़े परिवर्तन आपको देखने को मिलने वाले हैं। जी हाँ, आप लोगों को कोई अच्छी बड़ी खुशखबरी मिलने के पूरे पूरे योग हैं। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि आपको अब अपनी मेहनत का पूर्ण रूप से फल जरूर मिलेगा। इसके अलावा आपको सभी सफलताएं प्राप्त होंगी, रुके हुए कार्य आपके पूर्ण होंगे और आपको अपने परिवार तथा दोस्तों का पूरा पूरा साथ मिलेगा। आपको हम बता दें कि भगवान शिव की कृपा से ही आपकी राशि वाले लोग आपके जीवन में अब खुश हैं, क्योंकि आप लोगों के पालनहार भगवान शंभू, भगवान महादेव, स्वयं भगवान भोलेनाथ हैं। आपको बता दें कि आप लोगों पर अब भगवान शिव की असीम कृपा बनी हुई है और भगवान शिव की कृपा से आपके धन संबंधित सभी मुश्किलें अब दूर हो जाएंगी। धन प्राप्ति के आपके लिए अनेक सारे योग बन रहे हैं। जो लोग नौकरी करते हैं उन लोगों को नौकरी में प्रमोशन, वेतन वृद्धि के भी योग अब बन रहे हैं, जिससे कि कुंभ राशि वाले लोगों आपकी आर्थिक स्थिति अब बहुत अच्छी रहेगी। घर परिवार में आपके खुशनुमा वातावरण रहेगा और साथ ही साथ संतान प्राप्ति का भी सुख आपको बहुत जल्द प्राप्त होने वाला है, जिससे कि घर परिवार में खुशियों का वातावरण आपके लिए रहेगा। दोस्तों, इस लिस्ट में जो अगली राशि आती है वह राशि है कन्या राशि। आपको हम बता दें कि कन्या राशि वाले लोगों पर भगवान भोलेनाथ अत्यंत मेहरबान होने वाले हैं। जी हाँ, पिछले समय में आपके जीवन में जितनी भी समस्याएं थी वे अब भगवान भोलेनाथ के आशीर्वाद से समाप्त होने वाली हैं। इस राशि के लोग अपने परिवार के साथ सुखी जीवन अब बिताने वाले हैं। साथ ही साथ आपको बता दें कि आपकी आर्थिक स्थिति अब बहुत अच्छी होने वाली है। बिजनेस करने वाले लोगों को अब अपने बिजनेस में अच्छा लाभ मिलने वाला है। आपके ऊपर भगवान भोलेनाथ की कृपा
सदैव अब बनी रहेगी। और आपको बता दें कि कन्या राशि वाले लोगों, अब आपको वह सब कुछ मिलेगा, वह सब कुछ प्राप्त हो जाएगा जो आप चाहती हैं, जिसके आप हकदार हैं। जी हाँ, अब आपके जीवन में खुशियाँ ही खुशियाँ आने वाली हैं। दोस्तों, जो अगली राशि है वह है वृषभ राशि। बताना चाहेंगे कि वृषभ राशि वाले लोगों को हम बता दें कि भगवान शिव वृषभ राशि वाले लोगों के ऊपर अब बेहद प्रसन्नचित रहने वाले हैं, जिसके कारण इस राशि वाले लोगों को आर्थिक लाभ मिलने के बहुत सारे अवसर अब प्राप्त होने वाले हैं। बस आप इन अवसरों को अपने हाथ से ना जाने दें। साथ ही साथ वृषभ राशि वाले लोगों, आपको जल्द से जल्द नया वाहन आप खरीद सकते हैं। आपको अपने जीवन में अनेक बड़े बड़े परिवर्तन देखने को मिलने वाले हैं। साथ ही साथ आपके जीवन से धन संबंधित जो भी समस्याएं हैं वे अब बहुत जल्द दूर होने वाली हैं। जी हाँ, स्वयं भगवान भोलेनाथ आपके समस्त कष्ट दूर करने वाले हैं। प्रेम करने वाले लोगों को उनके प्रेम जीवन में अब सफलता मिलेगी और आपका आने वाला समय बहुत ही अच्छा साबित होने वाला है। इस समय का वृषभ राशि वाले लोग भरपूर लाभ उठाएं। दोस्तों, अगली राशि जो है वह है सिंह राशि। सिंह राशि वाले लोगों को हम बता दें कि आप लोगों के ऊपर महादेव की विशेष कृपा अब बन रही है, जिसके कारण इस राशि के लोगों को बहुत ज़्यादा फायदा अब मिलने वाला है। आपको अपने जीवन में सफलताएं मिलने वाली हैं। विद्यार्थियों के लिए आने वाला समय बहुत ही अच्छा साबित होने वाला है। आपको अपनी प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता प्राप्त अवश्य होगी। इसके साथ ही आपका मन अब पढ़ाई में लगने लगेगा। आपको अपने कार्य क्षेत्र में किसी प्रकार की बड़ी खुशखबरी अब मिल सकती है। साथ ही साथ दोस्तों, जो लोग नौकरी करते हैं उन्हें नौकरी से संबंधित बहुत बड़ी खुशखबरी अब मिलने वाली है, जिससे कि अब इनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहेगा। दोस्तों, इस लिस्ट में जो अगली राशि आती है वह है कर्क राशि। जी हाँ, कर्क राशि वालों, आपको हम बता दें कि आप लोगों के ऊपर भगवान शिव की विशेष कृपा अब बन रही है, जिसकी वजह से आपको विदेश यात्रा करने का भी अब मौका मिल सकता है। यदि आप कोर्ट कचहरी के मामले में जूझ रहे हैं तो इसमें आपको सफलता अवश्य मिलेगी। इसके साथ ही आपकी रुचि धार्मिक कार्यों में अब लगने लगेगी। अचानक से धन प्राप्ति आपको इस दौरान हो सकती है। आपका मानसिक स्वास्थ्य ठीक रहेगा। किसी कार्य को लेकर की गई यात्रा आपके लिए अवश्य ही सफल साबित होगी। आपको परिवार में खुशियों का माहौल अब देखने को मिलने वाला है। और साथ ही साथ आपको बता दें कि आपकी राशि वाले लोगों को आपके धन संबंधित जो भी परेशानियां हैं वो भगवान भोलेनाथ के आशीर्वाद से अब खत्म होने वाली हैं और आपके जीवन में अपार खुशियों की प्राप्ति अब आपको होने वाली है, जिससे आपकी राशि वाले लोगों का जीवन बदल जाएगा। जी हाँ दोस्तों, तो ये थी वह खुशनसीब और भाग्यशाली राशियाँ जिनको भगवान भोलेनाथ के आशीर्वाद से बहुत बड़ी खुशखबरी प्राप्त होने वाली है, जिससे कि अब इन राशि वाले लोगों का जीवन पूरी तरह से बदल जाएगा। दोस्तों, भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद आपको प्राप्त हो, इसके लिए सच्चे दिल से कमेंट बॉक्स में जय भोलेनाथ अवश्य लिखें। वीडियो को लाइक कर दें, शेयर करें। इसके साथ ही आपकी राशि कौन सी है यह भी हमें कमेंट में लिखकर ज़रूर बताएं। धन्यवाद।